नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। मेरे साथ है रजनी कालरा। बधिरों के लिए विशेष समाचार की करते हैं शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद विपक्ष ने विरोध किया और नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर अपना पहला भाषण देंगे। नए संसद भवन में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का कमरा भी अलॉट कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। संसद के निचले सदन में स्थापित सेंगोल पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने सेंगोल को हटाने की मांग तक कर डाली। उन्होंने कहा कि संसद में सेंगोल को हटाकर वहां संविधान रखा जाना चाहिए। आरके चौधरी के बयान पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, कहा कि पीएम भी सेंगोल को प्रणाम करना भूल गए, पीएम की इच्छा भी कुछ और होगी। नीट परीक्षा लीक केस में सीबीआई एक्शन शुरू कर चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया। इससे पहले सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंचकर पूछताछ की थी। वहीं सीबीआई की टीम जेल में बंद आरोपी बलदेव उर्फ चिंटू और मुकेश से पूछताछ करेगी। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक विरोध और प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मटका लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कुछ इसी तरह की तस्वीर एमसीडी में सदन के अंदर भी दिखी, जहां बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी फिर से टल गई। उनको 13 जून को धरती पर वापस आना था, लेकिन उनके यान में तकनीकी खराबी आने की वजह से सुनीता अंतरिक्ष में फंसी हैं। नासा की तरफ से 3 बार नई तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन वापसी अटक गई। इसके बाद नासा ने उनको धरती पर लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।